नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोबाइल गुरु पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, गवर्नमेंट द्वारा एक चैलेंज दिया गया है कि आप जूम जैसा एक एप्लीकेशन बनाओ और 1 करोड़ रुपए का इनाम घर ले जाओ। दोस्तों, इस ऐप चैलेंज के रिजल्ट की घोषणा 29 जुलाई को सरकार द्वारा की जाएगी। जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि भी दी जाएगी। वहीं इस एप्लीकेशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा प्रमाणित भी किया जाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार का चैलेंज भारतीय कंपनियों के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलप करने के लिए है, जो जूम जैसे लोकप्रिय ऐप का विकल्प बन सके। आपको बता दें कि यह ऐप चैलेंज उस वक्त पेश किया गया है जब लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम सुरक्षा कारणों की वजह से सवालों के घेरे में है। दोस्तों, इस चैलेंज को इनोवेशन चैलेंज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन के तौर पर पेश किया गया है। इस वक्त पूरा भारत लॉकडाउन से जूझ रहा है, ऐसे में करोड़ों लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम एक जरूरत बन चुकी है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है बड़ी मात्रा में जानकारियों का आदान प्रदान ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। ऐसे में प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर चिंता होना सामान्य सी बात है। इस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप किसी भी किस्म के डिवाइस पर काम करना चाहिए। खराब से खराब नेटवर्क एरिया में भी अपनी सुविधा देने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होनी चाहिए और ऐप के इस्तेमाल में पावर की खपत भी कम से कम होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सरकार ने जूम ऐप के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की थी। गृह मंत्रालय के साइबर कोऑर्डिनेटर सेंटर द्वारा कहा गया था कि सुरक्षा कारणों की वजह से इस ऐप का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले भी भारत की नोडल एजेंसी, जो कि साइबर सिक्योरिटी खतरों को देखती है, उसने भी चेतावनी दी कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से साइबर अटैक होने का खतरा रहता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी अपने कर्मचारियों को जूम ऐप का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। अमेरिकी सीनेट ने भी अपने मेंबर्स को इस ऐप से बचने की सलाह दी है। इंडिया में कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद से ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए मजबूर है। ऐसे में जूम ऐप की लोकप्रियता बढ़ी। कई उच्च न्यायालय भी जरूरी सुनवाई के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि देश के रक्षा मंत्री भी इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए दिख चुके हैं। दोस्तों, आज आधे अरब से अधिक इंटरनेट ग्राहकों के साथ भारत डिजिटल मोर्चे पर उच्च सवारी कर रहा है। अर्थव्यवस्था के सभी पहलू, व्यापक पहुंच, सुविधा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इंडिया भी डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहा है और वर्क फ्रॉम होम को लॉकडाउन के चलते हुए भारत को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की सख्त ज़रूरत है। इस लिहाज से आज IT कंपनियों के पास सुनहरा मौका है अपने आप को पेश करने का। तो दोस्तों, आज का आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल मोबाइल गुरु। जय